फतेहपुर चौरासी में भूमि विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आपको बताते चले कि थाना फतेहपुर चौरासी के ग्राम शिवराई में चकबंदी पैमाइश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, इनामुल्ला पुत्र मुश्ताक मोहम्मद आरिफ खान पुत्र हाजी यासीन खान व खलील अहमद पुत्र मास्टर इख्तियार खान के बीच चकबंदी भूमि विवाद को लेकर गोलियां चलने लगी, जिसमें गोली लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा घायलों को तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर पहुंचाया गया, जहां से उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सफीपुर थाना प्रभारी फतेहपुर चौरासी भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लेकर दो बंदूकों व जिंदा कारतूस व खोखो के साथ गिरफ्तार करके थाना फतेहपुर चौरासी में लेकर आई। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। मांगरमऊ उन्नाव से जितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। आज दिनांक 28/6/2020 को पूर्वाह्न में ग्राम खिबरई PSF 84 के अंतर्गत हो रही चकबंदी के दौरान मैन बांधने के लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से निजी लाइसेंसी 12 वोल्ट DBBL से फायर किया गया। छर्रे लगने से दोनों ही पक्षों के तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं। दोनों पक्षों के दो दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, साथ ही दोनों पक्षों से एक एक DBBL तथा खाली खोखा भी बरामद किए गए हैं। थाना F84 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।